हेलो, मैं डॉक्टर प्रणव माथुर, डॉक्टर माथुर डेंटल इनोवेशन कानपुर से। और आज हम लोग बात करेंगे डेंटल एक्सरे के बारे में कि हम लोग डेंटल क्लिनिक में एक्सरे कैसे लेते हैं। तो उसके एक्सरे के लिए जो है दो पार्ट्स हैं, एक तो हमारी एक्सरे की मशीन है जिससे हम एक्सरे की रे शूट करते हैं, और दूसरा हमारा कंप्यूटर है जिसमें सेंसर होता है। तो जैसे पहले होता था कि पहले एक्सरे की फिल्म होती थी, उस फिल्म को जो है मुंह के अंदर लगाया जाता था और फिर एक्सरे लिया जाता था और फिर उस फिल्म को डेवलप किया जाता था। तो अब वो चीज़ नहीं है, अब क्योंकि डिजिटल है सब कुछ, तो अब ये एक सेंसर है छोटा सा, इसको RVG बोलते हैं हम लोग। तो ये एक्सरे का जो सेंसर है यही एक्सरे की फिल्म की तरह काम करता है, और ये सेंसर कनेक्टेड है हमारे लैपटॉप से जिसपे कि इसका सॉफ्टवेयर रन करता है। तो हम जो भी एक्सरे शूट करते हैं वो हमारे सिस्टम पे या कि हमारे लैपटॉप पे आ जाते हैं और उसमें वो स्टोर रहते हैं हमेशा। तो इसका फायदा ये है कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास 2 साल या 5 साल बाद भी आता है तो हम अपने सिस्टम में से उसका एक्सरे निकाल करके देख सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं एक्सरे मशीन की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारी बहुत छोटी सी एक्सरे की मशीन है, तो इसको पोर्टेबल एक्सरे बोलते हैं, और ये पोर्टेबल DC एक्सरे है। मतलब जैसे कि जो लोग फिजिक्स जानते हैं उनको पता होगा कि करंट जो है 2-3 तरह का होता है, एक होता है AC और एक होता है DC। तो ये DC एक्सरे है, और इसको जैसे हमने ऑन किया तो उसके बाद यहाँ पे इसका कंट्रोल पैनल है, इसमें हम कौन सा दांत शूट करना है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, पेशेंट अडल्ट है कि बच्चा है वो शूट कर लेते हैं, और ये ऊपर एक्सपोजर टाइम आ गया, मतलब कितनी देर के लिए एक्सरे शूट होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये 0.16 सेकेंड है, जो कि बहुत कम है। तो DC एक्सरे का यही फायदा है कि इसका एक्सपोजर टाइम 0.1 सेकेंड होता है, और अगर हम नॉर्मल पुरानी वाली एक्सरे मशीन से शूट करें तो उसमें 0.7 या 0.8 होता है। तो इस पोर्टेबल DC एक्सरे का यही फायदा है कि इसका एक्सपोजर टाइम बहुत कम होता है, तो एक्सरे के जो रेडिएशन है वो आपके ऊपर कम से कम पड़ेगा। और ये एक पूरा सील्ड यूनिट है, इसमें कहीं भी जो है एक्सरे लीकेज नहीं होता है, ये बहुत सेफ है। और दूसरा ये पोर्टेबल है, तो इसका फायदा ये भी है कि आपके पास अगर 2-3 डेंटल चेयर है तो आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये कैसे एक्सरे शूट करता है। तो जैसे ये सेंसर है, हमको अपनी उंगली का अगर एक्सरे लेना है तो इस तरह हम इसको प्लेस कर देते हैं, और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये हमारे अंगूठे का जो है एक्सरे आ गया है। तो काफ़ी साफ एक्सरे है, इसको हम लोग जो है यहाँ से एनलार्ज भी कर सकते हैं। तो जैसा कि हम स्क्रीन देख रहे हैं लैपटॉप की, इस पे हमें अपनी उंगली का एक्सरे दिख रहा है। अब इसमें सॉफ्टवेयर में बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये कलर फीचर है, इसमें हम कलर डाल के इसकी डेंसिटी देख सकते हैं। अगर हमको इसको रोटेट करना है इमेज को तो हम इसको अलग अलग एंगल्स पर रोटेट कर सकते हैं। तो ये हमारे सिस्टम पे सेफ हो जाती है, पेशेंट का नाम और डेट लिख करके हम इसको सेव कर लेते हैं, और आगे हमें कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर पेशेंट को कभी ज़रूरत है तो हम उनको सेंड भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये डिजिटल एक्सरे का ये फ़ायदा है कि आपका जो डेटा है वो हमेशा स्टोर रहता है, और इसकी एक्यूरेसी हमेशा उतनी बनी रहती है, क्योंकि जो एक्सरे फिल्म्स हैं वो टाइम के साथ साथ उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। अगर आप एक्सरे फिल्म रख दें 1-2 साल के लिए तो फिर बाद में वो आप उसको ठीक से देख नहीं सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे हम लोग डिजिटली जो है एक्सरे और RVG मशीन के साथ जो है हम लोग डेंटल एक्सरे शूट करते हैं। आजकल यही लेटेस्ट चल रहा है, और ये काफ़ी सेफ भी है, और इसमें इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। अगर इस टॉपिक के बारे में आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।